गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा सैनिकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट चल रहा था, है ना। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस और करते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस पर आते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, गुड इवनिंग, है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट पर कुछ क्वेश्चंस और करना है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान ज्ञात कीजिए, दो क्वेश्चन और लिख रहे हैं हम। कल हमने मान ज्ञात कीजिए में एक क्वेश्चन किया था, वन कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, वन कॉस गामा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस गामा, कॉस बीटा माइनस गामा और वन। कर सकते हैं, करें ये फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखता हूँ सेकेंड। टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, इधर अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, लास्ट एलिमेंट टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। इन दो सारणियों के मानने का, तो देखो आसान, ये फर्स्ट देखे अपन, प्रसार कर दें, अगर एक्सपांड कर दें रो से कॉलम से और लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम यही सोचते हैं क्या हम इसको दो सारणियों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो देखिए लिखते हैं, वन लाना है ना, तो देखो मैं लिखता हूं कॉस अल्फा, यहां भी कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा तो यहाँ भी साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू करूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन हो गया। फिर यहाँ ले लो आप कॉस बीटा साइन बीटा जीरो इंटू करो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस गामा साइन गामा जीरो, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस बीटा साइन बीटा जीरो है इसका फर्स्ट रो में, ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये कॉस बीटा कॉस गामा ये एलिमेंट आ जाएगा। कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जीरो इंटू जीरो जीरो, समझ में आया क्या, सबको समझ में आया। ये फर्स्ट क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। उदय आपको आया बेटा समझ में, नहीं आया? उदय आप लिख रहे हो नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ। क्या नहीं आया बताएं सर, गुणनफल के रूप में कैसे करते हैं? क्या सारणिकों के गुणनफल के रूप में? हाँ, दो सारणिकों के गुणनफल के रूप में लिखा है, आसानी से आंसर निकल रहा है, इसलिए आप अगर किसी और तरीके से आंसर निकाल सकते हो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ उदय समझ में आया, आप तो दिए देखो, मैंने ये जो दो सारणिक लिखे इनका गुणा करने पे ये आ रहा है, यानी ऊपर वाला सारणिक आ रहा है, तो इसके प्लेस पर ये दो सारणिक लिखे जा सकते हैं, ठीक है।
ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो कितनी टर्म है इसमें, वही 3/3 का है, लेकिन कोई ऑपरेशन लगा दे मतलब वो गुण प्रगुण पढ़े जो हमने 8 गुण पढ़े उनमें से कोई लगाएंगे तो और लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें इसको हम कोशिश करते हैं दो सारणिकों के गुणनफल के रूप में लिखने। तो देखना ध्यान से 1 1 1 1 0 0 हो गया 2। अब देखो मैंने एक काम किया अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा 0, तो 1 का इंटू अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा, 1 का इंटू गामा प्लस डेल्टा में गामा प्लस डेल्टा ही आई अल्फा बीटा गामा। अब देखो फिर अभी ऐसा नहीं कि मैं यही छोड़ दूंगा बोलूं जीरो आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, पहले तो मैं ऐसे दो डिटर्मिनेंट लिख तो पाऊं जो जिसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाला डिटर्मिनेंट आ रहा। देखो अब जैसे अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया तो इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से ये एलिमेंट तो आ गया लेकिन ये वाला एलिमेंट नहीं आ रहा। देखो अल्फा सेकंड रो का सेकंड रो में करो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर आ रहा, फिर क्या करें तो एक काम करते हैं चेंज करो, इधर लिखो गामा प्लस डेल्टा इधर लिखो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो 1 का इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, ये एलिमेंट मिल गया। अब सेकंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा 2 अल्फा बीटा, तो ये बात बन गई यहाँ पर अल्फा, हाँ ये सेकंड का इसमें इसका इसमें ये भी एलिमेंट आ गया। ऐसे ही रिवर्स यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, समझ में आया? तो देखो अल्फा बीट गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा ये आ गया, ठीक है समझ में आया क्या? पहले सारणिक का मान भी 0 दूसरे का भी 0। यस सर। ठीक है सबको समझ में आया? तो देखो मैंने लास्ट तक करके देखा, नहीं तो मन से ही लिख देता है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेटा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो आ ही नहीं रहा। चलिए समझ में आया क्या यहाँ पर? चलिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर आए। ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। ओके देखें क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा दिए गए सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक का मान ज्ञात करना। दिए गए सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना, दिए गए सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक का मान ज्ञात करना। ठीक है तो देखो एक 2/2 कोटि से स्टार्ट करें। डेल्टा एक सारणिक है जिसका मान डेल्टा है 2/2 कोटि का, A11, A12, A21, A22। ठीक है अब इसके अवयव जो 4 अवयव है उससे बना उन अवयवों के सहखंडों से बना सारणिक। A11 का सहखंड C11, A12 का C12, A21 का सहखंड C21, C22। ये समझ में आया? ये नया सारणिक बन गया, सहखंडों से बना है तो इसको हम नाम रख देते हैं डेल्टा डैश। तो हमें डेल्टा डैश का मान निकालना है। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन क्या है? तो अब देखो कंसेप्ट देखना, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश निकालना। A11, A12, A21, A22 ये डेल्टा, ये डेल्टा डैश। C11, C12, C21, C22 राइट। कैसे गुणा कैसे करते हैं? रो टू रो कर ले। A11, C11 प्लस A12, C12 फर्स्ट रो सेकंड रो A11, C21, A12, C22 राइट। फिर A21, C21 सॉरी
ए टू फर्स्ट, इधर से सेकेंड रो उधर फर्स्ट रो, ए टू वन सी वन वन, ए टू टू सी वन टू, ए टू वन सी टू वन, ए टू टू सी टू टू, समझ में आया? हाँ, अब देखिए ध्यान से देखना, पहले फर्स्ट फर्स्ट रो के एलिमेंट और उन्हीं के कोफैक्टर, इससे सारणिक का मान आता है। अगर याद करो मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया, किसी सारणिक का मान उसके उपसारणिक तथा सहखंड के पदों में ज्ञात करना, के पदों में लिखना, ठीक है? ये डेट, और ये पहली पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड जीरो, ऐसे ये दूसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के सहखंड जीरो, दूसरी पंक्ति के अवयव उसी के सहखंड डेल्टा। इज इट क्लियर? तो इस सारणिक का मान निकाल लो, डेल्टा स्क्वायर आ गया, तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा डैश क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा, तो दो बाय दो कोटि के सारणिक, दो बाय दो कोटि के सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक का मान दिए गए सारणिक के मान के बराबर ही होता है। बात समझ में आ गई क्या? अब अगर हम, हाँ निधि, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी बेटा, थ्योरी निधि पहली क्लास में थ्योरी पढ़ाई है, सेकंड लेक्चर में सारणिक के, कि किसी भी पंक्ति के अवयव का उन्हीं के सहखंडों से गुणा करें तो सारणिक का मान आता है। ये सारणिक के डेल्टा दिख रहा है आपको ऊपर, डेल्टा सारणिक के उसी के अवयवों के सह, पहली पंक्ति के अवयव उसी के सहखंड, सारणिक का मान डेल्टा है। पहली पंक्ति के अवयव वो दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा करोगे जीरो आएगा, दूसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के सहखंड से गुणा करोगे जीरो, दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति के सहखंड से गुणा करोगे सारणिक का मान डेल्टा है, ठीक है? अब अगर थ्री बाय थ्री ऑर्डर का ले लो आप, तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, थ्री बाय थ्री ऑर्डर के लिखें, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये तो हो गया डेल्टा, और डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब देखो मैं इतने नाइन एलिमेंट लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा क्या आएगा, A11, C11 plus A12, C12 plus A13, C13 डेल्टा, इस तरह से आ जाएंगे सभी, तो डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा क्यूब, डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा डैश हो गया डेल्टा स्क्वायर। तो देखो अब जनरलाइज कर दूं कि अगर दो बाय दो कोटि का सारणिक है तो डेल्टा डैश का मान डेल्टा आएगा, थ्री बाय थ्री कोटि के सारणिक के लिए डेल्टा डैश का मान डेल्टा स्क्वायर आएगा, फोर बाय फोर कोटि के सारणिक के लिए डेल्टा डैश डेल्टा क्यूब आएगा, इसी तरह एन बाय एन कोटि के सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक का मान डेल्टा टू द पावर एन माइनस वन आया। कंसेप्ट समझ में आया कि सभी को? यस। चलिए नोट करें फटाफट, अब इस कंसेप्ट पर एक दो क्वेश्चन करेंगे।
हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, इस कंसेप्ट पर बेस्ड। हाँ लिखेंगे, यदि 3/3 कोटि के सारणिक का मान 6 है, यदि 3/3 कोटि के सारणिक का मान 6 है, तो इस सारणिक के अवयवों सहखंडों तो इस सारणी के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक का सारणिक के वर्ग, जल्दी मत करो याद कीजिए, करेंगे। अब उदय ने सही बताया है, पहले जल्दबाजी कर दी थी। नयन मिस्टेक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या गिवन है क्या निकालना है वो सोचो पहले। यदि 3/3 कोटि के सारणिक का मान 6 है, तो इस सारणिक के अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो 3/3 कोटि का सारणिक डेल्टा से डिनोट किया आपने, उसका मान 6 है, उसके अवयवों के सहखंडों से बने सारणिक को हम डेल्टा डैश बोलते हैं, वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये समझ में आया, ये किसका मान आया, डेल्टा डैश, जो कि सहखंडों से बने सारणिक का मान, सारणिक के वर्ग का मान पूछा है हमसे, डेल्टा डैश का स्क्वायर पूछा है हमसे। समझ में आया नयन? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। उदय ने क्लिक कर लिया, अच्छी बात है। हाँ सेकंड और किसी का आ रहा, ध्यान से देखो, ये जो सारणिक है इसको अगर आप डेल्टा बोल दो तो डेल्टा का मान 2 दिया, और ध्यान से देखो ये जो नया सारणिक पूछा है, ये हर अवयव A11 का सहखंड निकालो, B2C3 - B3C2, ये डेल्टा डैश है, इनडायरेक्टली बोले ये डेल्टा डैश है, और 3/3 कोटि का सारणिक है तो डेल्टा डैश डेल्टा स्क्वायर के इक्वल हो। कंसेप्ट समझ में आया सबको? कंसेप्ट समझ में आ गया क्या सेकंड क्वेश्चन का? ये हर अवयव दिए गए सारणिक के अवयवों के सहखंड हैं,
प्रतीक अवयव, नए सारणिक का प्रतीक अवयव दिए गए सारणिक के अवयवों के सहखंड है, इसलिए इस सारणिक का मान दिए गए सारणिक के मान के वर्ग के बराबर होगा। हो गया क्या सभी का? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आए। ओके अब नेक्स्ट कंसेप्ट है सैनिकों में सिग्मा का उपयोग। सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन, योग या समेशन। जैसे अपन ने उसमें पढ़े है ना, किसमें? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में सिग्मा पढ़ा है का उपयोग। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है इसका कि अगर हमें एक सारणिक दिया है डेल्टा एक्स, उसकी केवल कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, मैंने पहली पंक्ति एक्स का फंक्शन है, बाकी सब अचर है, एक पंक्ति या एक स्तंभ, तीनों पंक्तियों में से एक पंक्ति एक्स का फलन है या कोई एक स्तंभ एक्स का फलन है, तो मैंने पहली पंक्ति को एक्स का, बाकी अचर है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, है ना। अब अगर हमें सिग्मा डेल्टा एक्स एक्स वेरीज फ्रॉम वन टू एन निकालना हो तो हम डायरेक्टली सिग्मा केवल उसी पंक्ति पे लगा दो, बाकी पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसी पंक्ति पे सिग्मा लगा दो और कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्स वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ एक्स, x varies from 1 to n gx, x varies from 1 to n hx, और ये जो सिग्मा इन्हीं पंक्तियों का सिग्मा कैलकुलेट कर लो, है ना, और वो वैल्यू यहां रख के सारणिक का मान निकाल। बात समझ में आई क्या? ऐसा क्यों हुआ? प्रूफ, ये हमने प्रॉपर्टी 6 पढ़ी है सारणिक की, यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में है तो इस सारणिक को समान कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, उसी का विलोम है। देखो प्रूफ बता रहा हूं, देखें ध्यान से। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू 1 से लेकर एन तक वेरी कर दो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और इसी तरह डेल्टा है। बात समझ में आई क्या? हाँ, डेल्टा 1 क्या आएगा? देखो यहां इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहले ए बी सी अल्फा बीटा गामा, हाँ इधर क्या आ जाएगा? एक्स, यहां डेल्टा 1 रखो, एक्स की जगह 1 एफ 1 जी 1 एच 1, हाँ डेल्टा 2 में क्या आएगा? ए बी सी अल्फा बीटा गामा F2 G2 H2, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? हाँ, डेल्टा 3 में क्या आएगा? F3 G3 H3 A B C अल्फा बीटा गामा, डेल्टा N में क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा A B C FN GN HN। ये बात समझ में आई क्या सबको? हाँ, तो ये क्या हो गया? n पंक्तियों n स्तंभ n सारणिकों के योग के रूप में लिखा हुआ और उसकी दो पंक्तियां समान है, तो अब क्या करो? ए बी सी
अल्फा बीटा गामा, ये तो वही सेम रहेंगी नए में, और ये क्या हो जाएगा यहाँ एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड एफ एन, समझ में आया, जी वन प्लस जी टू प्लस जी एन, एच वन प्लस एच टू प्लस एच एन, बात समझ में आ गई क्या सबको? है ना, अब अपने पास स्पेस नहीं है, मैं यही बता रहा हूं आपको इसके आगे। हाँ, इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिख दोगे सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ एन, इसकी जगह क्या लिखोगे सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम वन टू एन जी एन, इसकी जगह क्या लिखोगे सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम वन टू एन एच, ये तो प्रूफ है हमें इतना ज्यादा एच एन एच एक्स एक्स, ठीक है तो समझ में आ गया क्या? तो हम देख लें कि अगर कोई भी दो पंक्तियां स्तंभ अचर हैं तो और केवल एक ही पंक्तियां स्तंभ एक्स का फलन है तो उसी पे सिग्मा ऑपरेट करो, बस इतना सा काम अपने को करना है। कंसेप्ट समझ में आ गया कि सबको? yes. नोट कर लो, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। कॉलम में भी अप्लाई होगा ना? होगा यार, बिल्कुल, अगर कॉलम में है तो कॉलम में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन तीनों में से कोई एक कॉलम होना चाहिए बस एक्स का फंक्शन। अभी क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा करना क्या है एक्चुअली। हो गया ये सभी का, नहीं हुआ तो मैं लिख लें फटाफट। हो सभी का हो गया, नोट कर लिया सभी ने, ये तो प्रूफ है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं हम। डेल्टा आर इक्वल्स टू आर टू आर माइनस वन थ्री आर माइनस टू, थ्री आर माइनस टू, एक्स वाई जेड एन एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वेयर एन थ्री एन माइनस वन बाई टू,
sigma r varies from 1 to n d delta r का मान गया था। ध्यान से देखो आप, यहाँ x की जगह r ले लिया, तो r का फंक्शन कौन, तीनों पंक्तियों और तीनों स्तंभों में से बताएं कौन, किसके सभी अवयव r का फंक्शन है? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और तो कहीं r नहीं है, तो इसलिए केवल इसी पर सिग्मा अप्लाई होगा। कहीं और अगर r होता सेकेंड या थर्ड कॉलम में तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज लिख दो, सॉरी सेकेंड और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम पे सिग्मा ऑपरेट कर दो। कैसे? सिग्मा अप्लाई कर दो, बस r वेरीज फ्रॉम 1 टू n, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n, 2r माइनस 1, इसको भी लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस से, n 3n माइनस 1 बाय 2। ठीक है, थर्ड में r वेरीज फ्रॉम 1 टू n, 3r। इतना समझ में आया कि सभी को? अब देखो x y z n n plus 1 by 2 n square n 3 n minus। अब ये सारे सिग्मा निकाल लो, सिग्मा निकालना आता है आपको। ये बताओ समेशन r varies from 1 to n r का क्या मतलब? r की वैल्यू रख दो 1 फिर 2 plus 3 up to n, sum of first n natural numbers, कौन बताएगा आंसर? n into n plus 1 divided by 2, n n plus 1 divided by 2। दूसरा एलिमेंट जो है r varies from 1 to n, 2r minus। सिग्मा अलग अलग करो पहले, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r varies from 1 to n, r minus सिग्मा 1। हाँ, तो ये क्या हो गया, 2n n plus 1 by 2 हो जाएगा ये, और 1 1 1 n times n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, इंटू कर लो n square plus n minus n, माइनस से माइनस कैंसिल n square। इसी तरह थर्ड एलिमेंट अभी कर लो, समेशन r varies from 1 to n, 3r minus 2, तो 3 कांस्टेंट बाहर निकालो, r का n, n plus 1 by 2 minus 2n, right? तो n कॉमन ले लें, तो 3n, n कॉमन ले, 3n plus 3 minus 4 upon 2, समझ में आया ना, LCM आया 2 और ये n निकल दिया, तो n 3n minus 1 by 2। हाँ, देखें ध्यान से, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने सारणी की, यदि किसी सारणी दो पंक्तियां स्तंभ सम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। करें, नोट करें क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आया क्या, कैसा कंसेप्ट है? यस सर। ओके, नोट करेंगे, हो गया क्या, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यदि dr बराबर x y z 2 × 2⁻¹ 3 × 3⁻¹ 4 × 4⁻¹ समीशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r का मान ज्ञात डी आर का है डेल्टा आर नहीं है। हाँ ये जो मेथड पढ़ी वो एप्लीकेबल है या नहीं अभी आर का फंक्शन केवल एक रो या एक कॉलम होना चाहिए कोई रिमेनिंग टू रोज और कॉलम कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ सेकंड रो दिख रही क्या आपको आर का फंक्शन है यस सेकंड रो केवल ठीक है तो सॉल्व कर लें समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डी आर डायरेक्ट सेकेंड रो में समेशन ऑपरेट कर दें एक्स वाई जेड 2 × 2⁻¹ 3 × 3⁻¹ 4 × 4⁻¹ हाँ इधर क्या आएगा समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n 2 to the power r राइट तो एक्स वाई हाँ अब कोई डायरेक्ट हाँ इसको सॉल्व करो तो अब समेशन ओपन करें तो क्या आएगा 2⁻¹ 1 + 2⁻¹ 2 + 2⁻¹ 3 + 2⁻¹ ये तो जीपी है जीपी का सम का फॉर्मूला याद है सभी को ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ए आर कॉमन रेश तो 2 × 2⁻¹ 1 मतलब 2 × 2⁻¹ फर्स्ट एलिमेंट समझ में आया कि सबको यस ठीक है सेकंड सेकेंड है समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n 2 × 3⁻¹ तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया आर वेरीज फ्रॉम 1 to n 3⁻¹ क्या करेंगे 2 × 3⁻¹ 1 + 3⁻¹ 2 + 3⁻¹ 3 × n तो ये जीपी है अंदर ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन 3 − 1 = 2 2 से 2 कैंसिल 3 × 3⁻¹ ठीक है अब इस एलिमेंट में 3 कॉमन ले लो 3 कॉमन मतलब बाहर आएगा फिर 4 + 4² + 4³ ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस तो ये बचा 3 से ये वाला 3 कैंसल हाँ तो सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी समझ में आया कंसेप्ट सभी को अगर सपोज करो कहीं जैसे यहां सेकंड रो के अलावा और किसी एलिमेंट में भी आर होता तो क्या करते पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू डीआर की वैल्यू निकालते और फिर वो यहां रख के फिर सिग्मा अप्लाई करते ऐसे डायरेक्टली डिटरमिनेंट के अंदर सिग्मा अप्लाई नहीं होता बात समझ में आ गई क्या यस सर ओके तो कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन तो हम कितने भी कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आए डिफरेंशिएशन करना आता आप लोगों को यस सर यस सर है ना
तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पर बेस्ड एक दो कंसेप्ट होते हैं इसमें, तो हम उसको बोल रहे हैं एक्चुअली डिफरेंशिएशन फंक्शन का होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विच इज इन डिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब किसी सारणिक का अवकलन नहीं होता है, सारणिक रूप में दिए गए फलन का अवकलन, अवकलन तो हमेशा फलन का ही होगा, ठीक है? Yes, sir. तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, सारणिक रूप में दिए गए फलन का अवकलन। है ना, तो जैसे अगर आपको 2x2 कोटि का एक सारणिक दिया डेल्टा एक्स, एफ एक्स जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स, है ना, तो पहला तो बड़ा सिंपल तरीका कि प्रसार कर लो और फिर अवकलन कर दो, लेकिन हमें उत्तर भी सारणिक में ही लिखना है। तो देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का अवकलन किस कोटि का सारणिक है, 2 कोटि का, इसलिए कितने सारणिक बना लो, 2 सारणिक बना लो। रो वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉलम वाइज, रो वाइज डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, तो डेरिवेटिव के लिए डैश यूज करते हैं, जैसे किसी भी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसके रिजल्ट को, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स बोल देता हूँ, तो एफ एक्स की जगह क्या गया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, और सेकेंड रो एज इट इज पी एक्स क्यू एक्स, राइट। सेकेंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो सेम लिखेंगे और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। कंसेप्ट समझ में आया क्या सभी को, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो फलन दिया होता फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन। हाँ, एक और तरीका कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर दें एफ डैश एक्स पी डैश एक्स, सेकेंड कॉलम एज इट इज जी एक्स क्यू एक्स, और सेकेंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम एज इट इज और सेकेंड कॉलम। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि हम डिफरेंशिएट रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम वाइज, ऐसा नहीं कि एक में रो, एक डिटर्मिनेंट में रो को डिफरेंशिएट कर दिया दूसरे में कॉलम को, तो गलत हो जाए, या तो पूरा थ्रू आउट रो वाइज होगा या कॉलम वाइज। समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में आया सभी को? हाँ, जैसे अगर 3x3 का ले लें, एक 3x3 कोटि का सारणिक लिया मैंने, देखें ध्यान से, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स यू एक्स एस एक्स टी एक्स यू एक्स एस एक्स टी एक्स यू एक्स, सब एक्स के फंक्शन है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स किस कोटि का है, 3x3 कोटि का, तो कितने सारणिक बना लो, 3। पहले सारणिक में पहली पंक्ति का अवकलन, दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एस एक्स टी एक्स यू एक्स, फिर पहली और तीसरी पंक्ति सेम लिखेंगे जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स आई डैश एक्स एस एक्स टी एक्स यू एक्स एफ एक्स आर एक्स, तीसरी पंक्ति को डिफरेंशिएट करें एस डैश एक्स टी डैश एक्स और यू डैश एक्स। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, नोट करें, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, हो गया। Yes. चलिए क्वेश्चंस करते हैं। fx इक्वल्स टू x, x स्क्वायर, x क्यूब, 1, 2x, 3x स्क्वायर, 0, 2, 6x, 2 f डैश x, f डैश x मतलब fx का डिफरेंशिएशन। तो f डैश x ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? है ना, कर सकते हैं। d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, या इसी को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो कितने डिटरमिनेंट बनेंगे? 3। फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, मालूम है सभी को। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। सेकेंड रो और थर्ड रो सेम लिखेंगे, राइट। फिर सेकेंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट और थर्ड रो सेम लिखेंगे, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करें तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, हाँ 3x स्क्वायर में 3 नहीं बेटा, 3 बाहर लिया, x स्क्वायर का 2x तो 6x हो गया। फिर फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो भी सेम, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, 0, 0, 6, नहीं जल्दी कर रहे हो, कैलकुलेट करो। हाँ, फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। सेकंड रो डिटरमिनेंट में R2 और R3 आइडेंटिकल है, इसलिए 0। लेकिन थर्ड डिटरमिनेंट में कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है, कैलकुलेट करो। थर्ड रो से एक्सपांड करो, थर्ड रो से एक्सपांड करेंगे, 2 रो को क्रॉस करके आए, -1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ±+6। मैंने 0, 0 उस वाले एलिमेंट लिख नहीं रहा हूं, 2x² - x² कितना हो गया बताओ? -1 का स्क्वायर +1 x² 6x² फाइनल आंसर। ठीक है।
यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, है ना, अच्छे से करना। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स ज्ञात कीजिए, कर सकते हो। जहां एबीसी अचर है, कर रहे हो क्या सभी लोग? Yes, अच्छे से करना, केयरफुली आंसर कैलकुलेशन सही आए। ये पूरा आंसर 3x स्क्वायर आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूं, देखें ध्यान से। d अपॉन डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल्स, है ना, थ्री डिटरमिनेंट बनेंगे। फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट, वन आ जाएगा, जीरो जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ए स्क्वायर का जीरो, ए बी का जीरो, ए सी का जीरो। सेकंड और थर्ड रो सेम लिखते हैं, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, ठीक है, एक्स प्लस
बी स्क्वायर बी सी। थर्ड रो को भी सेम लिखना है, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, राइट। हाँ, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट और थर्ड रो को सेम लिखें, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। हाँ, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया, जीरो वन जीरो। थर्ड रो को सेम लिखें, फर्स्ट रो को सेम लिखें, ए बी ए सी, सेकेंड रो को भी वैसे ही लिखना है, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है, तो आ जाएगा जीरो जीरो एक्स, जीरो जीरो वन। बस एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, क्या आएगा वन के साथ, इसका इंटू इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। हाँ, सेकेंड में माइनस वन टू दी पावर वन आएगा और सेकेंड एलिमेंट भी नेगेटिव होगा। हाँ, बाकी इसका इंटू इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। यस, हाँ, थर्ड डिटर्मिनेंट, थर्ड रोस है, माइनस वन का स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आ गया फाइनली, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस ए टू ए स्क्वायर एक्स प्लस टू सी स्क्वायर एक्स। देखो जरा ये आ रहा है, ये माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, ए स्क्वायर एक्स भी टू टाइम्स हो गया, बी स्क्वायर एक्स भी टू टाइम्स हो गया, सी स्क्वायर एक्स। हो गया, सबको समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। माना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, सिक्स माइनस वन जीरो, पी पी स्क्वायर पी क्यूब, जहां पी अचर है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर ज्ञात कीजिए। ये बात समझ में आ गई, निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, ये बात समझ में आ गई क्या सबको? क्या कैलकुलेट करना है, तीन बार अवकलन करना है और फिर उसमें एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो, ठीक है ना। डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, तृतीय अवकलज, ठीक है। तो पहली बार अवकलन करूं, सबसे पहले तो कितने सारणिक बन जाएंगे, पहली बार अवकलन करेंगे तो कितने सारणिक बन जाएंगे, तीन। हाँ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तो सेम,
पहले सारणिक में, दूसरे सारणिक में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम, और तीसरे सारणिक में एक पहली और तीसरी सेम, दूसरी का अवकलन करना है तो स्पेस छोड़ूंगा पहले, पी पी स्क्वायर पी क्यू, और पहली और दूसरी सेम, तीसरी का अवकलन, ठीक है। तो अवकलन करें पहली पंक्ति का, थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सबको आता है, सिक्स जीरो जीरो जीरो, फिर इधर भी पी पी स्क्वायर पी, ये सबको समझ में आया क्या किया। तो दूसरा और तीसरा सारणिक का मान जीरो हो गया, बस पहले ही सारणिक बचेगा पहली बार अवकलन करने पर, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब दूसरी बार अवकलन किया तो फिर से तीन सारणिक बनेंगे और पहले ही बचेगा, बाद वाले दो जीरो हो जाएंगे। पहले में पहली पंक्ति का अवकलन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, सिक्स माइनस वन जीरो, पी पी स्क्वायर पी क्यू, दूसरा और तीसरा सारणिक जीरो आ जाएगा। तीसरी बार अवकलन, फिर तीन सारणिक बनेंगे तो पहले ही बचेगा, बाकी के दो जीरो हो जाएंगे, सिक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से ही है। फिर किस पॉइंट पर निकालना है आपको, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की जगह जीरो रख दो। हाँ, एक्स की जगह जीरो रखो, सिक्स का डेरिवेटिव जीरो, नहीं डेरिवेटिव थोड़ी निकालना है, जीरो रखना अपने को, एक्स की जगह जीरो। हाँ, कॉस जीरो वन, माइनस है, साइन जीरो जीरो, तो फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई, इसलिए डिटरमिनेंट वैल्यू। कंसेप्ट समझ में आया कि सबको? यस सर। ठीक है, चलिए नोट करें। अब आ रही वॉइस, वॉइस आ रही है। हाँ, वो बाय मिस्टेक वही हो गया, क्या बोलते हैं अपन उसको, मतलब जो बोर्ड शेयर कर रहा था वो हट गया वहां से, ठीक है, तो वो डिलीट हो गया है ना, कोई इशू नहीं, अपन ने कर
उमेश क्या बोल रहे हो? जितना बताया वो समझ में आया क्या? तो एक क्वेश्चन और कर ले लास्ट। यस सर। ठीक है, इफ पी लैम्डा टू द पावर 4, क्यू लैम्डा क्यूब, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1, 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4। तो एस व टी का मान ज्ञात कीजिए। एस व टी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखो, ये लैम्डा में बहुपद है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक साइन है। अगर हम लैम्डा बराबर 0 रख दें दोनों साइड तो देखो टी तो डायरेक्ट आ जाएगा। लैम्डा बराबर 0 रख दो दोनों साइड तो ये 0, ये 0, ये भी 0, केवल टी आएगी बच्चा। इधर लैम्डा की जगह 0 रखा, राइट हैंड साइड में लैम्डा की जगह 0 रखो, कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है। प्लस 1 है ना, पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, प्लस 12, प्लस 3, 4 और 6, 10, कितना आ गया? 12 प्लस माइनस माइनस 12 है ना पहला एलिमेंट, देखो जरा माइनस 12 आएगा ना, तो माइनस 12 प्लस 30 कितना आ गया? 18। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं अपन कि अब टी कैसे निकाले, टी तो निकाल लिया, अब एस कैसे निकाले। तो सुने ध्यान से, अगर हमें पी क्यू आर एस टी सभी निकालना होते तो एक काम करते कि सारणिक को आराम से एक्सपांड कर लेते और लैम्डा के गुणांकों की, लैम्डा की विभिन्न घातों के गुणांकों की तुलना कर देते तो पी क्यू आर एस टी सब एक साथ आ जाता। लेकिन अब हमें केवल टी और एस पूछा था तो इतना करने की जरूरत नहीं। अब एस के लिए क्या करें? दोनों पक्षों का लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 4 पी लैम्डा क्यूब है ना, पी कांस्टेंट है लैम्डा 4 का, 4 लैम्डा क्यूब, 3 क्यू लैम्डा स्क्वायर, 2 आर लैम्डा प्लस एस और टी का 0। हाँ, कितने सारणिक बनेंगे? 3। पहले सारणिक में पहली पंक्ति का अवकलन क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 3, 1 1। दूसरी पंक्ति सेम लिखेंगे, लैम्डा प्लस 1, 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा, राइट। दूसरी पंक्ति दूसरे सारणिक में दूसरी पंक्ति का अवकलन पहली और तीसरी पंक्ति सेम, दूसरी पंक्ति का अवकलन 1 माइनस 1 1। ठीक है, कैलकुलेशन देखते जाएं। तीसरी सारणिक में, थर्ड सारणिक में पहली और दूसरी पंक्ति सेम और तीसरी पंक्ति का अवकलन, क्या ये सबको समझ में आया? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? अब क्या रखें?
अब इसमें लैम्डा बराबर जीरो रखते हैं तो सीधा जीरो 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 एस मिलेगा। लैम्डा जीरो रखा, लैम्डा जीरो लैम्डा जीरो लैम्डा जीरो निकाल लें। है ना, कैलकुलेट करें और आंसर बताएं। है ना, कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। तीनों सारणिकों का मान निकाल के फाइनल आंसर बताएं। आ रहा है किसी का? है ना, तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताएंगे कैलकुलेट करके तीनों का सम। ठीक है, बात समझ में आ गई कि सभी को? उदय किसी ने बताया क्या? नहीं, आंसर किसी का नहीं आया अभी, है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, है ना, नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक और कंसेप्ट बचा है, क्रैमर्स रूल। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके, है ना, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके।